साथियों, आज संक्रांति पर गंगा स्नान गर्म पत्नी ने तो तुमने तीन बार चार बार कर लिया, आज मैं भी ले आई कि तुम कुछ भी तुम भी नहा लो, गंगा स्नान जरूरी है। वैसे स्नान तो बड़ा बूढ़ों करना चाहिए, मेरी बुढ़िया ने तो पहले ही स्नान कर लिया था। स्टार्ट है ना, छेड़ना कुछ ज्यादा मत जाओ नीचे, चेन पकड़ लो, चेन तो चेन पकड़ लो ना, यह है आराम से। अब चेन पकड़ के आराम से डुबकी लगा लो, फिर चेन छोड़ दे। अरे आ जाओ इधर, फिर सीख दिखा दे। कुंभ के स्नान की अपनी अलग ही महत्ता है, 12 साल में आया है, मावस पूर्णमासी आज संक्रांति थी, कल बैसाखी थी, हम नहीं नहाने पाए, बस संक्रांति के स्नान पर पहुंच गए। कल हमारी माताजी आई थी, धर्मपत्नी आई थी, परसों भी माताजी धर्मपत्नी आई थी, गंगा को पवित्र और पावन करने के लिए गंदगी बिल्कुल न डालें, साफ सफाई रखें। हजारों हजार साल से सनातन धर्म के सुख दुख में शामिल रही हमारी गंगा माता है, आपसे निवेदन है इसकी पवित्रता बनाए रखें, इसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। अगर आज से आज ध्यान देंगे तो कल ये फिर आपको ऐसी निर्मल पतित पावनी गंगा दिखाई देगी। और आज 27 अप्रैल को स्नान है पूर्णमासी का, उसको भी अधिक से अधिक करें, जरूरी नहीं है कि हरिद्वार जाएं, सीधे भी नहा सकते हैं आप, हरिद्वार तो बहुत भीड़ है, प्रशासन गंगा जी पे जाने नहीं देगा, आप यहाँ भी कर सकते हैं। गंगा जी नहीं होगा